पूरा जंगलों के बीच में आ चुके हैं ना, और रास्ता जो है इतना खतरनाक है भाई। देख तो वहाँ पे जंप करते हैं आप। तो भाई इधर देख ही सकते हो, एक जंप कर लिया हमने, इधर बीच में हम खड़े हुए आप लोग को यहाँ पे दिखलाने वाले हैं। सबसे पहले हम उस यूनिक पत्थर को ढूंढने वाले हैं और उसका आवाज़ सुनाने वाले हैं, टुनटुनी पत्थर। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे है टुनटुनी पत्थर। भाई ये है अपने गांव का सबसे बड़ा बुद्ध भगवान। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद अपना खेत। तो कैसे हो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे मेरी जान। तो देख ही सकते हो हम लोग आए हुए हैं खेत, और ये है अपना कुछ सामान जो कि है ये मोबाइल। और मोबाइल में देख सकते हो समय हुआ है 10:13, और ये है अपना पावर बैंक, और ये है GoPro का जो है चार्जिंग केबल, और ये है एक स्टैंड जो कि आज काम देगा, और ये है अपना माइक ग्रेनारो का। तो आज के वीडियो में आप लोग को हम इसी प्रोडक्ट के साथ शूट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं अपना खेत। देख सकते हो ये अपना खेत जो कि पिछले खेती किसानी व्लॉग में हम लोग बनाए थे, है ना, मतलब काम किए थे। लेकिन देख सकते हो धान कैसा उगा है गाइस, ये लाइट चौपी था लेकिन धान तो ठीक प्रकार से नहीं दिख रहा है। और हम अभी आगे तरफ चलते हैं, है ना, और आप लोग को दिखला दें अपना पूरा खेत का भ्रमण करवाते हैं। और आज के वीडियो में आप लोग को दिखलाने हैं हम लोग यूनिक प्लेस जो कि अपने खेत तरफ है भाई। बहुत ही यूनिक प्रकार के पत्थर दिखलाने वाले हैं, और अपना जो है मतलब गाँव के नदी में जो है बाढ़ आ गया है गाइस, मतलब पूरा पानी आ गया, तो उसको भी दिखलाएंगे। तो अभी जो है हम लोग खेत तरफ आए हुए हैं घूमने के लिए, है ना। तो यही दे अपना खेत है, देख ही सकते हो कुछ इस प्रकार से, पानी तो बहुत अच्छे तरीके से है। और ये जो है देख सकते हो मेड़ है, छोटा सा मेड़। और बारिश तो आज अभी का मौसम देख ही सकते हो आप लोग, है ना, बादल काला काला बादल किया है। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अपने उधर पीछे तरफ से इधर खेतों के बीच अपने खेत के पास पहुंच चुके हैं भाई साहब। ये अपना खेत है देख ही सकते हो, और पानी खतरनाक बह रहा है, और चप्पल पहने हैं हम लोग। चप्पल को जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिसल है। तो बिना चप्पल के हम घूमने वाले हैं अपना खेत, और आप लोग को दिखलाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा बाढ़ आ गया उसको, है ना। तो देख ही सकते हो भाई ये है पानी का लेवल, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इधर लाई चोपी छीते थे, है ना, तो इस प्रकार से नाली बनाया जाता है देख ही सकते हो, ताकि पानी खेत से अच्छी तरीके से निकल जाए। और पानी रहेगा तो धान अच्छे से नहीं उगता है, इसलिए पानी को इस खेत से इधर खेत में निकल रहा है। ये ऊपर वाला खेत भी अपना है, ये नीचे वाला खेत भी अपना है। तो इधर तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि नाली से पानी निकल रहा है, और ये वाला खेत में जो है पानी खतरनाक देख ही सकते हो भाई, पानी खतरनाक है, है ना। और धान एकदम पतला पतला लगा है क्योंकि देख ही सकते हो जब लाइट जो पीछे थे तो पानी गिर ही रहा था ना, है ना, इसीलिए धान देख सकते हो पूरा छट्टा छट्टा लगा है। तो अभी इधर से निकलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं, इधर बहुत ही खतरनाक वाला पानी बह रहा है, वहाँ पे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम अपने दूसरे खेत में आ चुके हैं, और यहाँ पे तो भाई पानी खतरनाक भर गया है, देख ही सकते हो आप लोग, पूरा बाढ़ आ चुका है वैसे ही लग रहा है, देख ही सकते हो पूरा माड़ी भर तक पूरा पानी आ गया है ना। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, आप लोग को दिखलाने वाले हैं यूनिक प्रकार की पत्थर जिसका नाम है टुनटुनी पत्थर, है ना, जो कि यहाँ पे खेतों के बीच में है। तो गाइस इधर से हमको जाना पड़ रहा है, इधर पूरा जंगलों के बीच में आ चुके हैं ना, और रास्ता जो है इतना खतरनाक है भाई, देख सकते हो आप लोग, है ना, OMG किधर से जाएंगे आई डोंट नो, लेकिन इधर रास्ता है लेकिन कैसे जाएंगे उधर, बहुत डेंजर वाला है। तो फाइनली दोस्तों इधर से हम लोग खतरनाक वाले रास्ता से इधर निकल चुके हैं, और इस साइड है छोटे पारा जो कि अपने गांव में दो पारा होता है, तो छोटे पारा का जो खेत है इस तरफ रहता है ना, और इधर जो है बड़े पारा का पूरा खेत है। और ये देख सकते हो भाई खतरनाक पानी जो कि एक नाला टाइप से होता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में
ढोड़गी बोलते हैं ना, मतलब कि जहाँ पानी खेतों के किनारे में एक नाला जैसा रहता है। और यहाँ पे पानी देख सकते हो भाई, खतरनाक पानी आई सर, इधर हमको जंप करना पड़ेगा है ना। तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत दूर में है, तो वहाँ पे जंप करते हैं आप। तो भाई इधर देख ही सकते हो, एक जंप कर लिया हमने, इधर बीच में हम खड़े हुए हैं और पानी कल देख सकते हो खतरनाक पानी बह रहा है इधर, पूरा बाढ़ आ चुका है और पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है ना। तो आप इधर जंप करते हैं थोड़ा देख के, क्योंकि इधर जो है बिछल जैसे दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों इधर जंप करके हम लोग इधर आ चुके हैं ना, और हमको जाना है उस साइड, देख ही सकते हो इधर छोटे पारस से बड़े पार आ चुके हैं अपने घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आप लोगों के लिए है ना। तो चलते हैं फिर, पहुंच चुके हैं ये देख सकते हो भाई यूनिक प्रकार के प्लेस में, और यहाँ पे है पत्थरों के बीच में एक यूनिक प्रकार का पत्थर, जिसको हम देखने के लिए और आप लोगों को दिखलाने के लिए हम लोग आ चुके हैं भाई इस प्रकार के मौसम में। तो चलिए चलते हैं अब आगे तरफ और आप लोग को दिखलाते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये है एक सहगुन का पौधा जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है ना। और आप लोग को यहाँ पे दिखलाने वाले हैं, सबसे पहले हम उस यूनिक पत्थर को ढूंढने वाले हैं और उसका आवाज़ आप लोग को सुनाने वाले हैं। कहाँ है आई डोंट नो, देखना पड़ेगा भाई इधर कौन सी जगह में है उसको, है ना। क्योंकि हम जो है बहुत सालों के बाद आ रहे हैं, जब छोटे थे ना गाइस तो यहाँ पे आए थे घूमने के लिए है ना। और तो फाइनली देख सकते हो इस प्रकार से खतरनाक जंगल है, और जंगलों के बीच में हम आ चुके हैं भाई साहब। ये है वो पत्थर, ये पत्थर है कि कहाँ गया है आई डोंट नो, पत्थर तो यही आसपास था लेकिन यही है कि नहीं है पता नहीं है हमको है ना। देख ही सकते हो ये है कि इधर भी एक पत्थर था कि नहीं था, हम भूल चुके हैं ना, बहुत दिनों के बाद आओगे तो भूल जाओगे। तो इसका दिखलाते हैं, हाँ गाइस यही वाला पत्थर है। तो ये देख सकते हो भाई इस प्रकार से जो है, देख ही सकते हो ये निशान है, ये किस चीज़ का निशान है अभी आपको दिखलाएंगे और बताएंगे है ना वीडियो में। देख ही सकते हो पूरा इधर कटोरी जैसे निशान बन गया है ना, ये देख सकते हो गाइस कटोरी जैसे निशान बन गया है पूरा जो है। तो अभी हम लोग आप लोग को इसका आवाज़ सुनाने वाले हैं, टुनटुनी पत्थर। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हो ये मेरे पीछे है टुनटुनी पत्थर भाई साहब, हाथ से नहीं बजेगा, इसको पत्थर से बजाना पड़ता है। और इसका आवाज़ आप लोग को सुनाएंगे है ना, कैसा लगता है आवाज़ बताना आप लोग। तो चलिए चलते हैं और सुनाते हैं आप लोग को आवाज़। तो अभी हम आपको इधर से पत्थर ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अरे आप लोग को ये है बेल, जो कि अब इधर छोटा छोटा बेल है दोस्तों, देख ही सकते हो है ना, जो कि शंकर भगवान ने चढ़ाते हैं शिवलिंग में उधर बेल पत्र, और उसका फल है ना, ये है उसका वृक्ष। तो अभी हम लोग पत्थर ढूंढ लेते हैं कहीं से भी, और ये आप लोग को दिखला देते हैं। इधर पूरा पानी भाई, पूरा बाढ़ आ रहा है भाई खतरनाक। तो अभी हम लोग जल्दी से आप लोग को टुनटुनी पत्थर का आवाज़ सुना देते हैं और फिर इधर से निकलते हैं। फाइनली हमें जो है पत्थर मिल गया भाई, बहुत मुश्किलों के बाद इधर पत्थर मिला है दोस्तों, और इतना छोटा सा पत्थर मिला है, इसी से आप लोग को इधर आवाज़ सुनाने वाले हैं हम लोग टुनटुनी पत्थर। देख ही सकते हो इस प्रकार से दिखता है टुनटुनी पत्थर, और आप लोग को सुनाते हैं पत्थर का आवाज़ इसमें मारते हैं, और सुनिए आप लोग है ना। तो भाई यूनिक प्रकार का पत्थर, जो कि पत्थर के ऊपर में एक पत्थर है, और बाकी दूसरा पत्थर को ऐसे मारेंगे तो उसका आवाज़ नहीं आएगा दोस्तों। दिखलाते हैं आप लोग को, ये है एक पत्थर जो कि ज़मीन के ऊपर में है, इसको मार के दिखलाते हैं और आवाज़ सुनिए आप लोग।
तो देख ही सकते हो भाई, ये पत्थर अलग ही आवाज़ दे रहा है और ये पत्थर जो है अलग ही आवाज़ दे रहा है। इसलिए दोस्तों ये है एक यूनिक प्रकार का पत्थर जो कि अपने गांव में है, इधर खेतों के बीच में, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देख ही सकते हो है ना आवाज़। तो दोस्तों दिखलाते हैं आप लोग को, ये पत्थर है ना इस प्रकार से है, पत्थर के ऊपर है पत्थर, और देख ही सकते हो भाई मार मार के इधर पूरा कटोरा जैसे इसका आकृति बना दिए हैं ना। तो दोस्तों अब इधर से हम लोग चलते हैं है ना, क्योंकि हम लोग अपने खेत तरफ से बहुत ही ज़्यादा दूर में आ चुके हैं जंगलों के बीच में, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और मौसम कैसा हो जाता है कोई गारंटी नहीं रहता। तो इधर से हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी निकलने का कोशिश करेंगे दोस्तों है ना। देख ही सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजर है इधर का जो है खेत वेत है ना, तो इधर स्नैक भी मिल सकता है लेकिन हमको अभी तक नहीं मिला है ना। तो चलिए दोस्तों अच्छी बात है ये है ना, तो इधर से हम लोग निकलते हैं। और तो फाइनली दोस्तों उधर से हम लोग आ चुके हैं इधर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक वाला डैम है ना, देख ही सकते हो भाई। और चल हो गया है, इधर जंप करेंगे आप लोग को दिखलाते हैं, उससे पहले पैर को धोना पड़ेगा क्योंकि ऐसी जंप करेंगे तो हम गिर सकते हैं ना, तो पैर को धो लेते हैं। तो चलिए जंप करते हैं अब। तो फाइनली दोस्तों हम जंप कर लिया है और इस साइड और जंप करेंगे, और इस साइड से जंगल वाला रास्ते से जाना पड़ रहा है जो कि अपना बदकिस्मत ही है दोस्तों, मतलब बदकिस्मती मतलब बहुत ख़तरनाक कांटा वाटा वाला रास्ता है। और चलते हैं फिर, देख ही सकते हो भाई ख़तरनाक यार इधर भाई कहां से कहां गए और चप्पल को भी छोड़ दिए थे है ना भाई। इधर का रास्ता तो भाई ख़तरनाक है यार, इधर देख ही सकते हो पूरा काड़ा पूरा कचरा वाला रास्ता है भाई, खतरा। तो इधर से जाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, देख ही सकते हो भाई, लेकिन जाएंगे क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि इधर से उधर जाने का है ना, तो कैसे भी करके निकलेंगे धीरे धीरे। तो भाई साहब यार इधर आना एक मूर्खता हो गया है ना, मूर्खता गाइस, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है इधर और बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला रास्ता है, लेकिन हम लोगों ने फाइनली दोस्तों इधर डेंजर वाले रास्ता को भी पार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं इधर से निकलते हैं है ना, देख ही सकते हो भाई पूरा खतरनाक यार इधर, सांप वाँप मिल गया तो हो गया अपना काम। तो देख ही सकते हो दोस्तों हम लोग उस साइड से निकल के इधर फिर से अपने खेत में आ चुके हैं। तो देख ही सकते हो इस प्रकार से अपना खेत है तो जो कि पानी में बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। तो चलिए दोस्तों अब खेत तरफ से निकल के चलते हैं हम लोग नदी तरफ, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ चुका है, तो आप लोग को आगे की वीडियो में दिखलाने को मिलेगा हमारे गांव की नदी को। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने गांव के नदी के पुल में, देख सकते हो भाई पूरा पुल पूरा पब्लिक से भरा हुआ नहीं है, आज संडे है फिर भी। और इधर देख सकते हो भाई सब पानी खतरनाक भाई, इधर देखिए गाइस पूरा नदी फुल हो गया गाइस, मतलब कि देख सकते हो पूरा पानी ही पानी है पूरा, देख सकते हो आप लोग है ना। और इस साइड पूरा जंगल वाला पूरा सीन है, उस साइड है बुद्ध जी, तो इधर दूर इधर है अपने गांव के नदी के पास का जो है मंदिर, और इस साइड है देख ही सकते हो आप लोग पीपल का झाड़, और इसके नीचे में है बुद्ध जी का प्रतिमा, देख ही सकते हो आप लोग को इस चैनल पे दिखला ही चुके थे है ना। तो भाई इस प्रकार से यहाँ पे सीन है, देख ही सकते हो आप लोग इधर एक छोटा सा है, उस साइड बड़ा वाला है, तो अभी आप लोग को इससे भी बड़ा वाला दिखलाएंगे है ना। ये है अपने गांव का सबसे बड़ा बुद्ध भगवान, देख ही सकते
सकते हो भाई कितना सुंदर लग रहा है ये भगवान, देख ही सकते हो वाइट कलर में एकदम मस्त लग रहा है ना। और इस साइड देख सकते हो पूरा इधर उसका झंडा लगा दिए है ना, देख ही सकते हो ये है बुद्ध भगवान जो कि उस साइड भी फेस किया है और इस साइड भी फेस किया है, खतरनाक भाई साहब। और ये है नदी जो कि पानी बह रहा है और इस साइड है पुल और इस साइड जो है रास्ता बनने वाला है, लेकिन कब बनेगा वो हमको पता नहीं है, तो जब भी बनेगा तब आप लोग को दिखलाएंगे। तो दोस्तों और भाइयों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो थोड़ा अलग प्रकाश बनाने का कोशिश किया है हम लोग ने, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना, जितना ज़्यादा आप लाइक कमेंट करोगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही व्लॉग देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।